जय हिंद साथियों। एसएसबी में कॉन्स्टेबल ट्रेडमैन में कुक के जो पद निकले थे उसके रिटेन होकर ट्रेड टेस्ट अभी चल रहे हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कॉन्स्टेबल कुक के जॉब प्रोफाइल के बारे में कि इनके क्या काम हैं, इनकी ड्यूटियां कहां कहां रहती हैं और इन्हें इनकी दिनचर्या क्या है, इन्हें सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या काम करने पड़ते हैं और इनकी सैलरी कितनी होती है और इनकी पोस्टिंगें कहाँ कहाँ होती हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे। तो ये वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, स्किप करके अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तथा जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपसे छूट जाएगी। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो पर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों अगर कुक कॉन्स्टेबल कुक की बात करें तैनाती की, तो कॉन्स्टेबल कुकों की तैनाती बटालियनों में, सेक्टर में, फ्रंटियर में, बल मुख्यालय में तथा ट्रेनिंग सेंटरों में इनकी जो तैनाती है वो रहती है और ज़्यादातर यूनिटों में इनकी तैनाती होती है। जो स्ट्रेंथ होती है इनकी ज़्यादातर यूनिट और ट्रेनिंग सेंटरों में होती है। एक यूनिट में यानी एक बटालियन में 1100 की स्ट्रेंथ होती है सभी जवानों की, 1100 से कुछ ऊपर ही होती है। तो उसमें से कम 6 कंपनियां होती हैं, जैसे ए बी सी डी इस तरीके से कंपनियां होती हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में बटी हुई होती हैं। एक तो इनकी पोस्टिंगें कंपनियों में होती हैं, एक कंपनी में एक या किसी किसी कंपनी में 2 कुक की तैनाती रहती है, एक कंपनी में 100 के ऊपर की स्ट्रेंथ रहती है और इनकी जो मुख्य तैनाती रहती है वो रहती है बटालियन हेडक्वार्टर में, जो मुख्यालय होता है हेडक्वार्टर उसमें रहती है। हेडक्वार्टर में 3 तरीके के मैस होते हैं, एक एसओज मैस होता है, एक तो जवान मैस होता है जिसमें हेड कॉन्स्टेबल से लेके हेड कॉन्स्टेबल तक उसमें खाना खाते हैं, उसके बाद होता है एसओज मैस, उसमें एएसआई से लेके इंस्पेक्टर उसमें खाना खाते हैं, उसे एसओज मैस बोलता है। और उससे ऊपर होता है ऑफिसर मैस जिसमें AC2 एवव उसमें खाना खाते हैं। उसके बाद में ये कंपनियों में ज़्यादातर ये जवान मैस ही होता है, उसमें एसओज मैस नहीं होता है कंपनियों में। और उसके बाद ऑफिसरों की जो व्यवस्था होती है उसमें वो अलग होती है। तो इस तरीके से एक कंपनी में 2 की तो स्ट्रेंथ रहती रहती है 2 कुकों की। जो कॉन्स्टेबल कुक बटालियन हेडक्वार्टर में रहते हैं, जिनकी पोस्टिंग बटालियन हेडक्वार्टर में होती है, वो लोग फैमिली रख सकते हैं, उनके लिए फैमिली रखने का ऑप्शन भी होता है। और जैसे जिस जगह पर बटालियन हेडक्वार्टर में गवर्नमेंट क्वार्टर हैं तो उन्हें क्वार्टर भी अलाउड होते हैं, और अगर नहीं है तो बाहर अपना परमिशन लेके रह सकते हैं। कंपनियों में ये सुविधा नहीं होती है, जैसे अगर कंपनी में आपकी पोस्टिंग है तो ये सुविधा फैमिली रखने की कंपनी में नहीं होती है, कंपनी में आप परिवार नहीं रख सकते। बाकी ट्रेनिंग सेंटर, फ्रंटियर हेडक्वार्टर, सेक्टर हेडक्वार्टर और बल मुख्यालय FHQ इन सभी में आप फैमिली रख सकते हैं, इन सभी में फैमिली रखने की परमिशन मिलती है। कॉन्स्टेबल कुक के दिनचर्या के इन्हें पूरे दिन में क्या क्या काम करने होते हैं और वो कैसे करने होते हैं। कॉन्स्टेबल कुक का जो मेन बेसिक कार्य होता है वो होता है खाना बनाने का। सबसे पहले जो बटालियन में जो मैस होता है उसमें शुरू होता है काम सुबह की चाय का। एक चाय ने सुबह 4 बजे बना के देनी होती है, 4 से 5 के बीच में बना के देनी होती है, उसे बोलते हैं बेड टी। बेड टी बनाने के बाद में 7 बजे नाश्ते का टाइम होता है, तो मतलब 7 बजे से पहले ही इन्हें नाश्ता भी तैयार करना होता है। एक मुख्यालय में जो बटालियन का जो मुख्यालय होता है उसकी स्ट्रेंथ 200 से 250 के पास तक पहुंच जाती है, जब ज़्यादा ही होंगे तो 200 से 250, नहीं तो 150 से 200 के तक ही रहती है। तो इनका जवानों का नाश्ता भी बनाना होता है। ये 7 से नाश्ते का जो टाइम होता है वो 7 से 8 के बीच का होता है। उसके बाद दोस्तों इन्हें बनाना होता है लंच। लंच बनाने के लिए लंच का जो टाइम होता है वो
साढ़े ग्यारह से और डेढ़ बजे तक का होता है, दो बजे तक का भी कहीं कहीं होता है। इतने मतलब साढ़े ग्यारह से पहले इन्हें खाना बनाने के भी तैयार करना होता है। उसके बाद में होता है डिनर का टाइम, उससे पहले तीन बजे भी एक चाय दी जाती है, वो ये कभी भी बना सकते हैं तीन बजे की चाय। जो सहायक होते हैं वो भी बना देते हैं, जरूरी नहीं कि कुक ही बनाएगा वो। फिर उसके बाद डिनर का टाइम होता है, डिनर का टाइम होता है दोस्तों इनका छः बजे से लेके और रात्रि साढ़े आठ बजे तक। छः बजे से पहले मतलब इन्हें रात का जो खाना है वो भी बना के रखना होता है। सुबह जो दोस्तों नाश्ते में जो ब्रेकफास्ट में बनाना होता है कॉन्स्टेबल को मैस में, वो क्या होता है जो भी मतलब दिन भरे में इन्हें बनाना होता है उसका एक मैस मीनू होता है हर मैस में। तो ज़्यादातर जो मैस में है अभी जो चल रहा है वो इस प्रकार है, जैसे सुबह के टाइम नाश्ते में इन्हें टमाटर आलू की सब्जी बना दी, रोटियाँ बना दी और उसके साथ में दूध और केला या बटर दे दिया जाता है या अंडा भी दे दिया जाता है। कभी कभार जैसे नाश्ते में कुछ स्पेशल बनता है जैसे कि खीर भी बनती है, आलू के पराठे भी बनते हैं या डोसा बना दिया जाता है, इडली भी बनती है, इडली सांभर भी, ये भी बनती हैं। उसके बाद में दोस्तों लंच के टाइम में, लंच के टाइम में क्या होता है कि मेनू बटा हुआ है, जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन मिड डे होता है। मिड डे वाले दिन क्या बनेगा दोस्तों, मिड डे वाले दिन जैसे कि चिकन है जिस दिन, तो चिकन वाले दिन जो चिकन खाते हैं उन्हें चिकन दिया जाता है और जो नहीं खाते हैं चिकन, जो शाकाहारी हैं उन्हें पनीर दिया जाता है। तो पनीर में जिस हिसाब से जो स्केल होगा चिकन का उसी हिसाब से पनीर का भी स्केल रखा जाएगा। जैसे मटर पनीर बना दिया, चिली पनीर बना दिया, शाही पनीर बना दिया, कढ़ाई पनीर बना दिया, इस तरीके के बनाते हैं। और अगर फिर भी जैसे कि चिकन का हिसाब ज़्यादा पड़ रहा है तो जो शाकाहारी होते हैं उन्हें कोई फल फ्रूट भी दे दिया जाता है, उस हिसाब से इन्हें बनाना पड़ता है लंच में। और उसके साथ में दाल भी बनानी होती है, चावल भी बनाने होते हैं और एक सब्जी भी बनाते हैं कहीं कहीं, लेकिन जिस दिन चिकन और मटन वाला दिन होता है उस दिन सब्जी नहीं बनाते हैं और सलाद भी उसके साथ में बनती है। फिर दोस्तों बात करते हैं रात के डिनर के खाने की, जिस दिन मिड डे होता है उस दिन डिनर में थोड़ा हल्का भोजन बनाया जाता है, उस दिन दाल सब्जी और चावल रोटी, मतलब चावल तो दोनों टाइम परमानेंट आपको बनाने ही बनाने हैं, दिन में भी बनाना है, लंच में भी बनाना है और डिनर में भी बनाना है, चावल तो परमानेंट बनता ही बनता है। दोस्तों बात करते हैं ये खाना जो बनाते हैं ये अकेले बनाते हैं या इन्हें सहयोग भी मिलते हैं। तो दोस्तों जैसे एक मैस है जवान मैस, उसमें दो कुक हैं तो वो सारा खाना अकेले नहीं बनाएंगे, उन्हें क्या है उन्हें सहायक के लिए जीडी के जवान भी दिए जाते हैं। जैसे किसी मैस में पाँच दे दिए, छः दे दिए, उनका काम होगा सब्जी काटना, रोटियाँ सेकना, आटा लगाना, तो ये काम जो होते हैं ये सहायक उनके करते हैं, ये जीडी के जवान हैं, जीडी के कांस्टेबल भी मिल जाते हैं काम के लिए। तो इससे इनका काम जो है बहुत ही आसान हो जाता है, इन्हें ज़्यादा नहीं करना पड़ता, इन्हें केवल करना पड़ता है रोटियां बेलनी होती हैं ना और सब्जी बनानी होती है, दाल बनानी होती है, चावल बनाने होते हैं, जो मेन सेफ का काम होता है वो इन्हें करना होता है, तो लास्ट में इन्हें बर्तन धो के रखने होते हैं, बस ये इनका काम होता है दिनचर्या का, इसी तरीके से ना काम करना पड़ता है। दोस्तों किसी ने कहा है कि जो दिल का रास्ता होता है इंसान के वो उसके पेट से होकर जाता है। अगर आप अच्छा खाना बनाते हैं, आप स्वादिष्ट खाना बनाते हैं, आपका खाना बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही साफ सफाईदार है और आप जो खाना पकाते हैं वो भी बहुत अच्छा स्वादिष्ट बनाते हैं, तो कई अवसर जैसे आपका खाना खाते हैं तो वो आपके खाने के दीवाने हो जाते हैं या उन्हें आपका खाना खाना बनाने का और आपका खाना पकाने का और खाना का जो स्वाद है वो बहुत ही भा जाता है। तो वो उस कॉन्स्टेबल कुक को वो जब तक वो रहते हैं वो अपने साथ में ही रहते हैं और जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग रहती है, जैसे बड़े अफसर होते हैं वो उन्हें अपने साथ में ही रखते हैं।
तो दोस्तों इससे क्या होता है, जो कुक होता है उस पर लोड भी कम पड़ता है तथा उसका ड्यूटी भी आराम से गुजरती रहती है और उसका समय भी आराम से पास होता रहता है, क्योंकि एक अफसर के लिए खाना बनाना, अगर उसने फैमिली रख रखी है तो फैमिली के लिए खाना बनाना है, तो आप जितना अच्छा खाना बनाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप ना खाना में आलस करेंगे, नहीं ठीक से बनाएंगे, तो आपको ऐसे ही मैसों में, जैसे जवान मैस में या किसी कंपनी के मैस में पटक दिया जाएगा। केवल कुक के अब बात करेंगे प्रमोशन की। तो प्रमोशन दोस्तों ये बड़ा दुख की बात है कि इसमें ट्रेडमैन जैसे कांस्टेबल वाशरमैन है, कांस्टेबल कुक है, कांस्टेबल स्वीपर है, कई और भी ट्रेड हैं जिनमें प्रमोशन नहीं है दोस्तों। अभी फिलहाल में जैसे कई फोर्सों में प्रमोशन का चला हुआ है, तो धीरे धीरे हो सकता है भविष्य में एसएसबी में भी आ जाए, लेकिन फिलहाल में एसएसबी में नहीं है कांस्टेबल ट्रेडमैनों के प्रमोशन के लिए कोई। जैसे कि आप कांस्टेबल में ही भर्ती हुए हैं तो कांस्टेबल में ही आपको रिटायर जाना होगा। अभी एसएसबी में इस तरीके का कोई कार्य नहीं चल रहा है, कोई अभी ऐसी बात नहीं हुई है, लेकिन भविष्य में इसका आने की संभावना है और इनके प्रमोशन की भी संभावना है, क्योंकि बात चल रही है ऊपरी लेवल पर। दोस्तों कांस्टेबल कुक के सैलरी के, सैलरी जो होती है दोस्तों कांस्टेबलों की, सभी कांस्टेबल जितने भी होते हैं, कांस्टेबल जीडी होते हैं, कांस्टेबल वेटनरी हुए, कांस्टेबल कुक, कांस्टेबल वाशरमैन, इन सभी का जो बेसिक पे है शुरुआती तौर पर जब वो ज्वाइनिंग करते हैं तो वो समान रहता है, मतलब बराबर रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं रहता है, बराबर रहता है। 21,700 रुपये उनका बेसिक पे रहता है। उसके बाद में उन्हें डीए मिलता है, एचआरए मिलता है और वॉशिंग अलाउंस मिलता है, ये सब जोड़ के मोटा मोटी ऐसे 40,000 प्लस इनकी सैलरी बन जाती है। अगर इनके कहीं ऐसी जगह पोस्टिंग है जहाँ हार्ड जगह है, हार्ड शेप है वहाँ पर, तो इन्हें अलग से अलाउंस भी मिलते हैं, तो अलाउंसों का भी जो हिसाब किताब है वो अलग है, कहीं पर 6,000 है, कहीं 8-9 हज़ार है, कहीं पर 17,000 है, तो मतलब जिस तरीके से जिस जगह पर रिस्क है उस तरीके से उस जगह पर अलाउंस है। वो भी आपकी शुरुआती पोस्टिंग में, जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पे आपके जोड़ दिए जाएंगे। ये जो अलाउंस होते हैं ये ट्रेनिंग के दौरान में नहीं मिलते हैं, जब आपकी ट्रेनिंग होगी तब ये अलाउंस आपको नहीं दिए जाएंगे। ट्रेनिंग जैसे ही ख़त्म होगी और आप अपने यूनिट में वापस जाएंगे, फिर से आपके ये अलाउंस जोड़ दिए जाएंगे, तो आपकी जो सैलरी है वो 40 से ऊपर ही जाएगी, 40-45 तक आपकी आराम से शुरुआती वेतन जो आपको हाथ में मिलेगा वो 40-45 हज़ार के आसपास में मिलेगा दोस्तों। तो हिसाब होता है पे का, क्या है ना, ये साल में 3 बार बढ़ती है। एक बार आपका साल में इंक्रीमेंट लगता है, ये जनवरी में या जुलाई में जैसे आपकी ज्वाइनिंग होगी उस हिसाब से ये लगता है। और दोस्तों 2 बार साल में बढ़ता है डीए, डीए यानी महंगाई भत्ता 2 बार साल में भरेगा। जितना आपका बेसिक पे होगा, जैसे मान लो 4% महंगाई भत्ता बढ़ा है, तो आपका जितना बेसिक पे है जैसे 21,700 है, तो उसमें 4% ऐड कर दिए जाएंगे, जितना निकलेगा वो आपका महंगाई भत्ता होगा, वो आपके पे में और महंगाई भत्ते में डीए में वो जुड़ता रहेगा। तो ये है दोस्तों पे के बारे में जानकारी। कांस्टेबल कुक की दोस्तों जो ट्रेनिंग होती है, जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, वो इनकी 3 महीने की होती है, इनकी ट्रेनिंग 9 महीने की नहीं होती है। पहले आज से 15-20 साल पहले 9 महीने की हुआ करती थी, लेकिन फिर बाद में इनकी ट्रेनिंग जो है वो 3 महीने की कर दी गई है, और उसके बाद में फिर बेसिक कोर्स इनके जो खाने के हैं ट्रेड के, वो बाद में चलते रहते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग चलती रहती है समय समय पर इसके।